हेलो बच्चों, कैसे हो सभी 11th के। हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था, एज यू नो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, डायमेंशंस हो चुकी है, काफी मतलब उसमें सारा कुछ हो चुका है। उसके बाद अब हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे। सेकंड चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स है बेटा। अब जो आपकी 11th चलने वाली है ना, वो सारी 11th मोशन के ऊपर है। जितने भी आगे हम चैप्टर करेंगे, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, तो आपका डायमेंशन मेजरमेंट था उसमें, तो आपकी डायमेंशन वगैरह के बारे में थे जो आगे यूज होगी। बट ये जो सेकंड चैप्टर से लेके टिल आपका, चाहे वो ऑक्सीलेशन एंड वेव्स हो, 10th चैप्टर हो, है ना, साउंड्स वगैरह के बारे में, कुछ भी होगा, अब हम मोशन के बारे में ही करेंगे। 11th आपका मोशन बेस्ड है, तो ये चैप्टर भी फिर मोशन के बिहाफ पे हमने एक चैप्टर है हमारा, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस, काइनेमेटिक्स करेंगे हम। इसकी काफी सारी ब्रांचेस है बेटा, यूनिट्स है हमारी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रेक्टिलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपका वेक्टर, इसमें वेक्टर्स है, यूनिट है इसकी बेटा, चार यूनिट है, ठीक है। एक आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म आज हम करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब चलते जाए विदाउट रुके या स्टेप बाय स्टेप चले। रेक्टिलिनियर मतलब एक ही लाइन में, कोई लाइन इसकी स्ट्रेट एक ही ग्राफ में जाएगा। उसके बाद आपका वेक्टर है, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन, वेक्टर्स फॉर्म हमने पढ़ा था, अपने 9th से पढ़ते आए हो। दो तरह की क्वांटिटीज होती है, स्केलर वेक्टर। अब वेक्टर्स क्वांटिटीज की हमारी डायरेक्शंस होगी, वो डायरेक्शंस भी ऐड होती है बेटा, किस डायरेक्शन में है, उनकी डायरेक्शंस की लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, एड सब्ट्रैक्ट माइनस, आज वो हम सेकंड सी में करेंगे। सेकंड का डी, सेकंड चैप्टर है इसका, डी पार्ट जो होगा, डी यूनिट होगी, वो प्रोजेक्टाइल होगी। प्रोजेक्टाइल्स के क्वेश्चंस होंगे, कोई चीज हमने यू फेंकी वो यू क्यों गिरती है, आपका कोई एंगल बना के गिरती है ऐसे, या फिर ऐसे गिरती है यू, आपने रॉकेट भी, आप दिवाली के रॉकेट भी चढ़ाते हो, नॉर्मल एग्जाम्पल, आपने उसको थोड़ा सा ही आग लगाया है ना, थोड़ी चिंगारी दी, उसमें बारूद होता है, उसका वो मैकेनिज्म है, उस बारूद से वो चलते 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 काफी दूर जाता है, मगर फिर वो आता है ऐसे है, चाहे मोशन हुआ है, इंटरनल मोशन हुआ है, 9th में पढ़ते गए थे हम एक्सटर्नल इंटरनल मोशन। बट अब मोशन से थोड़ा सा अलग, मोशन से हम थोड़ा सा अलग जाने की कोशिश करेंगे, और मोशन तक तो है हमारा, मोशन था मगर उससे थोड़ा सा आगे डीप अलग, अब 9th से थोड़ा सा अलग डीप में जाएंगे। पहले 9th था, रिविजन था, ये सोच लो आपका बहुत छोटा सा था कि आपको पॉइंटों पर लाना, अब थोड़ा उसमें एक्सेस पॉइंट आ जाएंगे, एक्सेस मतलब ज्यादा, कुछ ज्यादा आएंगे, उसको हम करेंगे। काइनेमेटिक्स का मैंने यहाँ पॉइंट पहले लिख दिया, जो काइनेमेटिक्स है इन पॉइंट्स पे ऊपर डिपेंड होती है। काइनेमेटिक्स का पहले मतलब समझ लीजिए आप सब, काइना मतलब मोशन और मैटिक्स मतलब मैथ, जो मोशन के ऊपर हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन, जितना मैथ लगेगा, इक्वेशन बेस्ड पे, वर्क एनर्जी पावर फॉर्मूला है, कुछ भी है, वो सारा हमारा काइनेमेटिक्स होगा। अब देखो, अब हम वर्क का इस आपके एक चैप्टर है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, नेट पे भी आपका कहीं भी सर्च कर सकते हो, बुक्स नहीं है, बुक्स में भी आपके पास है, वर्क एनर्जी पावर, उसमें फोर्स इनटू डिस्टेंस है, ये सारे टॉपिक्स नहीं होंगे जब तक देखा, क्योंकि एक्सेलरेशन अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क डन। अब ये जितने टॉपिक्स है ना, ये सारे चलेंगे आपके काइनेमेटिक्स में, चाहे लॉ ऑफ मोशन की बात करें, चाहे कुछ भी करें। काइनेमेटिक्स में भी टॉपिक्स आएंगे हमारे डिस्टेंस। अब इसमें भी बेटा हम वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में करेंगे, मगर आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ वन और टू डायमेंशन में, तीनों डायमेंशन आपको समझाऊंगा, चैप्टर स्टार्ट होगा यूनिफॉर्म मोशन, इसमें हमारा वन डायमेंशन में चलेगा। फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर है इसमें हमारा सिर्फ वन डायमेंशन में ही ऑब्जेक्ट होंगे, या टू डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में बहुत रेयर ऑब्जेक्ट, एक्स वाई जेड पे कभी कोई ऑब्जेक्ट, चाहे प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल में सिंगल में रेक्टिलिनियर होगा। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन आपकी है नहीं, और थर्ड डायमेंशन है, 3D प्रिंटिंग भी आ गया, काफी कुछ आ गया, उसके बारे में हम टाइप्स ऑफ मोशन करेंगे तो डायमेंशन आएंगे उसमें, ठीक है। अब हम करते हैं इसके बारे में, ये सारी चीज देख लिया आपने, नोट करना है तो कर लीजिए, फिर हम इसको रब करके आगे अपना चैप्टर टू यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, देख लीजिए सभी एक बार।
चैप्टर टू यूनिट फर्स्ट। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, क्या करूं बेटा, वर्क तो कर नहीं सकता। यूनिट वन हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट वन में हम बेटा मोशन के बारे में करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ये चैप्टर यूनिट टू जो वन है, जो आपकी चैप्टर टू यूनिट वन, वो मोशन के ऊपर है। तो सबसे पहली जो इसकी डेफिनेशन आती है वो आता है हमारा मोशन। एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजिशन, ठीक है, विद इट्स सराउंडिंग। जब कोई ऑब्जेक्ट पोजिशन अपनी चेंज कर लेता है सराउंडिंग्स को देखते हुए, सराउंडिंग्स को देखते हुए इसका मतलब पता है, मैं विद दिस सराउंडिंग्स, ये मैंने आपके नोट्स बनाए, नोट्स आपको मिलेंगे व्हाट्सएप पे, उसमें भी मेंशन किया है, बट इसका मतलब जान लीजिए फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। सराउंडिंग का मतलब है, पहले हम कह देते थे ना कि कोई मोशन हो रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तब कोई मोशन हो रहा है, न्यूटन्स लॉ में आप करते थे। एंड ऑब्जेक्ट, जब आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो ये कहता है ना, अगर कोई चीज आपकी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर आपकी कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स अप्लाई नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। मगर अब बेटा हमारी बात आती है मोशन। इट्स सराउंडिंग का मतलब यही है कि एक्सटर्नल और इंटरनल, जब तक उस पर फोर्स लगेगी वो अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर पाएगा, रेस्ट पे रहेगा, वो है आपके सराउंडिंग। सराउंडिंग्स मतलब जो फोर्स आपको मोशन, अब फोर्स की बात हम क्योंकि नाइन्थ में कर चुके हैं फोर्स का, तो कोई फोर्स लगेगी उस पर, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स लगेगी या कोई एनर्जी लगेगी जो उसे अपने पोजिशन चेंज करने के लिए अलाउ कर पाए, या उसको उतनी एनर्जी क्रिएट करनी होगी अपने बॉडी से, है ना, हम ताकत लगाते जब उठ पाते हैं। एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजिशन, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन, वो मोशन में आ जाता है। सेकंड इसका टॉपिक आ जाएगा रेस्ट। रेस्ट बेटा, रेस्ट का मतलब क्या होगा, मोशन का उल्टा। एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस पोजीशन विद देयर सराउंडिंग्स, है ना। कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेस्ट में। रेस्ट और मोशन दोनों क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं रब करके। रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। अब कैसे, देखो जब हम सोते हैं, सोते होते हुए क्या होता है, जब हम सोते हैं तो सोते हुए हम रेस्ट पोजीशन में, और जब हम उठ गए तो मोशन में आ गए, है ना। जब कोई बंदा सोएगा तभी तो आपके उठ के आएगा मोशन में, और जब कोई मोशन में होगा उसे रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। इंसान है, मशीन्स नहीं, और मशीन्स को भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। बाइक है, बाइक को आप चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, उसको पेट रेस्ट की जरूरत पड़ती है घर आके, क्योंकि आप चलाओगे ना, बॉडी तो आप, वर्क तो आप कर रहे हो ना, या आप कोई कंटिन्यूस मशीन भी ले लोगे ना, उसको भी 10 से 15 मिनट रेस्ट चाहिए। आप खेतों में अपने घरों के पास देखते हो, आजकल ट्रॉली में जैक्स लगे आते हैं, ट्रॉली उठ जाती है ना, उसको बेटा फिर हमें खोल के रखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, वहां भी उसे रेस्ट चाहिए होता है। तो हर चीज को, अगर किसी चीज मोशन में है तो उसको रेस्ट चाहिए होगा, अगर कोई रेस्ट कर ले तो उसको मोशन चाहिए होगा। अब तो बेस्ट एग्जांपल है लॉकडाउन का,
आप सब इतने दिन से रेस्ट पोजीशन में हो, आइसोलेट हुए पड़े हो अपने घरों में लॉकडाउन में, हालांकि कुछ पासेस मिले पड़े जैसे हमें मिले पड़े, तो हम काम पे जा रहे हैं, आपके कुछ घर वाले जा रहे होंगे, आई थिंक नहीं जा रहे होंगे, पासेस अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो अब मन कर रहा होगा भी बाहर जाया जाए, थक गए घर में लेटे रहते, आप रेस्ट कर करके थक चुके हो, अब मोशन में आने की बारी है आपकी, है ना। जैसे ही आपका लॉकडाउन खुलेगा तो आप मोशन में आ जाओगे, दोनों ही रिलेटेड हो गए। आप ज्यादा दिन काम कर लिया, प्रकृति ने आपको क्या करा कि रेस्ट पे ला दिया, और जब आप रेस्ट पे आ गए तो रेस्ट पे आ के आप खुद थक गए, अब आपका मन खुद करता है। पहले ये था टायर्ड हो जाते थे आप मोशन करते करते, वर्क करते करते, क्योंकि मोशन तो होता है तो आपको रेस्ट चाहिए होता था, बट अब इनकेस आप रेस्ट में हो तो आपको मोशन में जाना है ना। ये तो प्रकृति का हुआ, छोड़ो, ये हमारी साइंस भी कहती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि अभी सिलेबस बहुत बड़ा है। इस बार पहले हमारा चैप्टर बहुत छोटा सा था, उसमें कुछ नहीं था, मगर इसमें बेटा बहुत सारे टॉपिक्स है, डेरिवेशन है, मैथमेटिकल टूल्स है, डिफ्रेंशिएशन। इस चैप्टर के फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन भी कराऊंगा आपको, क्योंकि जो सेकंड यूनिट है ना इसकी फर्स्ट यूनिट के बाद, उसमें डिफ्रेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल है, टेंजेंट का बहुत बड़ा रोल है, स्लोप का बहुत बड़ा रोल है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो डिफ्रेंशिएशन आप करोगे मैथ्स में भी, नॉन मेडिकल वाले, मेडिकल वाले नहीं कर पाएंगे तो वो भी सीख लेंगे, आप भी सीख लेना बेटा, ओके। तो वो बात की बात है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पॉइंट मास, पॉइंट मास क्या होता है, अब आप ये एक शायद आपने कुछ लोगों ने सुना भी हो, क्योंकि अभी YouTube वगैरह आप चला रहे हो, ना सुना है तो ये कुछ नया है आपके लिए। मैं पानी पी लेता हूँ, जस्ट वेट। बेटा पॉइंट मास वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, आप गाड़ी चला रहे हो, एक एक्सेलरेशन गाड़ी के ही आपका एक बहुत नॉर्मल चीज है, या बाइक हो या कार हो, कार ले लो या कोई बड़ी उससे बड़ी डंपर वगैरह ले लो, एक कार की बात कर लेते हैं, छोड़ देते हैं सारी चीजों को, कार आपके माइंड में आनी चाहिए, कार एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास को देख के एक कार आनी चाहिए आपके दिमाग में, हमेशा याद रखना। और समझने के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हो, मगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा सिंपल, कार, कार आपकी काफी हैवी होती है ना, आप उसे इतनी तेजी से नहीं भगा सकते जितना आप धक्का मारोगे, ठीक है चले जाएगी, मगर वो इतनी तेजी से नहीं जाएगी। नॉर्मल जो स्पीड होती है कार की कितनी हो सकती है, मैक्सिमम नॉर्मल स्पीड कितनी, 10, 20, 30, और मैक्सिमम वो 120, 130, 140 तक चढ़ जाती है, 150 भी चढ़ जाती है कोई अच्छी कार हो जैसे अच्छी ब्रांडेड ऑडी वगैरह, 150, 180, 120, 220 तक चढ़ जाती है। बेटा अब ये पॉइंट जो मास है ना, जो चीज अपने से, जैसे चीटी है ना, चीटी अपने से 10 गुना ज्यादा सामान, आई थिंक मेरे को नहीं पता ये कुछ मैंने, क्योंकि ये सारा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, चीटी अपने ही वजन से ज्यादा मास उठा लेती है, वो पॉइंट मास हो गया, बहुत छोटा एक पॉइंट पे टिका है मास, और उसने काफी सारा मास अपने ऊपर कैरी किया हुआ है ना, बहुत छोटी सी चीज है मगर उसने बहुत बड़ा इफेक्ट कर रखा है। ऐसी एक एक्सेलरेशन बहुत छोटी सी चीज होती है, जो आपके एक्सेलरेट रेस का जो वो होता है ना, रेस का जो आपका पेडल होता है, उसको दबाने से आपकी पूरी कार की स्पीड उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, पूरा वजन उस पे ही रहता है, सब चीज उस पे रहता है, सब मतलब ये लगा लो पूरा एक्सेलरेशन के ऊपर है, ब्रेक्स भी है, मगर ब्रेक्स उसको इतना ज्यादा मोशन कराएगी नहीं बेटा, मोशन को अपोजिट कर देगी ब्रेक्स तो। मगर हम मोशन की बात करें ना पॉइंट मास में, मोशन की बात, तो एक ऐसा मास जिसके ऊपर पूरा जितना भी किसी होल सिस्टम का मास है वो डिफाइन हो जाए। तो ये एक एक्सेलरेशन जब हम देते हैं ना कार को, बहुत तेजी से चलने लगते हैं, मगर वो एक्सेलरेशन पे टिकी है बेटा कार, अगर एक्सेलरेशन नहीं होगी तो वो नहीं चल पाएगी, मास के ऊपर रुकी अगर रेस्ट में आने की कोशिश करेगी। तो पॉइंट मास अपने से ज्यादा हो, है ना, जैसे हमें हमारा मास कितना होता है, हम अपने आप के लगाते हैं, हमारा मास 100 किलो हो जाता है, 70-80 किलो हो जाता है, और हम और आप तो नॉर्मली नहीं उठा पाते ना, जो वेट लिफ्टर होते हैं ना, 80 किलो वाला बंदा 200 किलो उठा लेता है, 300 किलो अपने वजन से ज्यादा वजन उठा लेना, वो आपका जहां पॉइंट मास वो कहलाएगा, जो अपने से ज्यादा कैरी कर पाए वो आपका पॉइंट मास कहलाएगा।
अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड An object can be considered as a point mass एक ऑब्जेक्ट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. अब इससे आगे कहेगा इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट. बेटा ये मैं आपको बता रहा हूँ सोच सोच के, क्योंकि मैं आपको कुछ बताता नहीं हूँ ऐसे बुक्स वगैरह स्टेप पे, तो थोड़ा सा मेरा दिमाग सोचने में लगा. इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट by the object is so far, बहुत दूर तक वो डिस्टेंस कवर कर सकता है किसी मास को उठा के या किसी पॉइंट को उठा के, तो वो आपका पॉइंट मास कहलाएगा. जैसे कार है वो एक्सेलरेट करने के बाद बहुत दूर तक कर सकती है ना, तो वो आपका पॉइंट मास. फार भी लिख सकते हो, वेरी लार्ज भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप. आगे वेरी लार्ज भी मैंने करा होगा या फार बहुत दूर तक भी जा सकता है, तो एक पॉइंट मास होता है. इसको देख लीजिए, रब कर रहा हूं मैं, फिर पॉज करके देख लीजिए, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मोशन. अब मोशन कितने टाइप का होता है देखो बेटा, आपके उसमें आपने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा होगा, वो भी है, मगर बेटा इसमें अलग है. इलेवेंथ में आके वन डायमेंशन, इसको हम वन डी भी लिख देते हैं बेटा. वन डी भी लिख देते हैं, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है वन डी का मतलब, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैरी वन डायमेंशन वन डायरेक्शन इन द कर्जन प्लेन, ठीक है. जब आपके ग्राफ पे कर्जन प्लेन या ग्राफ पे कहा गया, आप एक्स वाई जेड लेते हो ना ग्राफ पे, वहां जो आपका होगा एक्स वाई जेड में एक ही डायरेक्शन पे चलोगे, या तो आप एक्स एक्स पे चलोगे या वाई एक्सिस पे चलोगे या जेड एक्सिस पे चलोगे, किसी एक डायरेक्शन को कैरी करोगे. जब कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी भी एक डायरेक्शन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन, था ना नाइन्थ में आपका, वही है, जब कोई डायमेंशन एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो वो वन डायमेंशन कहलाएगी, ठीक है. इसके बाद आप इसको डिफाइन कर सकते हो, मैंने दिया हुआ है, ये कर भी देता हूं मैं. जब ओनली वन मतलब किसी एक डायरेक्शन पे जाएगा आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट कह लो, कर्जन प्लेन कह लो, मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया, ठीक है, स्पेसिफिक टू दिस पोजिशन. स्पेसिफाई देयर पोजिशन. स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या कुछ भी लिख लो, बस इतना ही बहुत है, आपका पोजिशन तक भी लिखोगे.
कि एक पोजिशन स्पेसिफाई करे कि कहां तक हो गया है, कितना उसने लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया है। अब हम बात कर लेते हैं 2D की। बेटा थोड़ा सा ही चेंज है इसमें। हाँ, इसका मैं एग्जांपल दे दूं, पहले 1D का। या तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्स पे जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे जाएगा। या फिर ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस पे आएगा। किसी एक में ही आएगा बेटा। आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट वन, ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफिक बाय द पोजीशन। इसकी पोजीशन यहां कितनी है, यहां कितनी है, ये बताएगा। एक ही लेगा, या तो इसमें से एक, किसी एक में, और भी लगा दिया मैंने, कोई एक ही लेंगे इनमें से, किसी भी एक डायरेक्शन में स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होगा। दोनों होगा तो टू डायमेंशन हो जाएगा, जो हम करने वाले हैं। इसमें बेटा उसमें एक में था, इसमें दो में होगा, ठीक है। इसमें स्पेसिफाइड पोजीशन करेगा। अब इसमें दो में कौन कौन से में होगा देखो, या तो आपका एक्स वाई में होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट, या आपका वाई जेड में होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट, या आपका x और z में होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, एक बार देख लो इसे, फिर थ्री डायमेंशन करते हैं। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, एग्जांपल भी बता देता हूं। ये आपने कमरा देख रहे हो ना, ब्लैक बोर्ड भी लगा देख रहे हो, ऊपर दीवार भी होगी, हर दीवार का एक कोना होता है ना। हम इस एक तो ये होगी x डायरेक्शन है ना, ये होगी y डायरेक्शन। जो आपके कोना होगा ना, ऐसे देखो दीवार होती है, दीवार का एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, घरों में भी देख रहे होंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका यूं आता है कोई, उसमें से निकल के, तो x y दोनों डायरेक्शन को कवर करेगा, ठीक है। वो x y दोनों डायरेक्शन को कवर करेगा, अगर कोई हम ऐसे लेके आते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ऐसे उसके यूं, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन हो गया, टू डायमेंशन। थ्री डायमेंशन करेंगे, थ्री डायमेंशन मोशन। अब इसमें बेटा क्या होगा, सोचो आप दो मिनट के लिए, सोचिए सभी। इसमें तीनों में बेटा होगा, ऑल द थ्री लिखेंगे, ऑल द थ्री, क्या लिखा है आपने, इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट, ठीक है, स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
अब इसमें देखो कहा होगा, एक ही सिंगल सिंगल एग्जांपल है, तीन एक्सिस पे होगा। आप जैसे कोई एरोप्लेन आया ही हमारा, एरोप्लेन आप देखते हो यू जाएगा पहले, है ना, रनवे पे उड़ने के लिए। जब टेक ऑफ होगा वो ऐसे स्ट्रेट जाएगा, फिर यू भी घूम जाता है, ऊपर जाता है, देखो ऐसे जाता है वो, फिर थोड़ा सा ऊपर लेता है। सपोज एक्स एक्सिस पे गया, वाई एक्सिस पे आया, फिर यू घूम जाएगा वो, उसने जेड एक्सिस भी कवर कर लिया। एरोप्लेन का बेस्ट एग्जाम्पल है इस पर, ठीक है ना, जब टेक ऑफ होता है एरोप्लेन, अराइव का टाइम मतलब होता है पहुंचने का, मगर टेक ऑफ के टाइम में वो थ्री डायमेंशंस कवर करते हुए चलता है। ये हो गया हमारा डायमेंशन। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस से आप सभी वाकिफ हो, नाइन्थ से ही और वैसे पता है, जो आपकी पाथ कवर होगी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। द लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है, सिंपल सी बात है। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, लिख लेते हैं इसको, और इसकी डायरेक्शन होती नहीं है तो स्केलर होगी। द लेंथ ऑफ द पाथ लिख लो आप, छोड़ो एक्चुअल को, क्योंकि पाथ हम कवर तो करते ही हैं। और उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, पता है आप सबको, लिख लेते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, ये कभी आपकी जीरो नहीं होगी ना नेगेटिव में होगी। जब डिस्टेंस होगी ना, कभी ना आपकी नेगेटिव में होगी ना जीरो में होगी। इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। सिंपल सी बात है। उसके बाद इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर। मीटर और एमसी से डोनेट करते हैं, स्मॉल एमसी, देख लीजिए, फिर मैं डिस्प्लेसमेंट कराता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक बार देख लीजिए, फिर डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करेंगे, ओवर हमारा 5 मिनट में लेक्चर। आई थिंक हाफ एन आवर हो गए, ठीक है, लास्ट टॉपिक बेटा। इसके ना कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, एक क्वेश्चन करा देता हूं अभी, डिस्प्लेसमेंट का जल्दी से लिख के फिर आप ट्राई कर लेना, उसे नोट्स में दे दूंगा आपको, ठीक है। इसमें अब आपकी डायरेक्शंस शो होंगी, इसमें डायरेक्शंस शो होती है, जब किसी डिस्टेंस की डायरेक्शंस शो होती है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होती है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बेटा इसमें एक और चीज बता रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, इसको आप W, जो विद रिस्पेक्ट टू है ना, मैं पूरा लिख के आपको फिर ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये अब आपको WRT ही लिखा आएगा, विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्टकट है, ठीक है। इट क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव,
ये कुछ भी हो सकती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी लिख दिया। एसआई यूनिट अगेन इसकी, जैसे एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट इसकी मीटर है। डोनेटेड बाय अगेन एम, जो डिस्टेंस के हो, ये बस इसमें डायरेक्शंस का फर्क पड़ता है बेटा और कुछ नहीं है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं बेटा। देखो एक सेमी सर्कल दिया है, ठीक है, एक सेमी सर्कल दिया है हमारा, ए टू बी जाना है हमें, ये सेमी सर्कल है, यहां जाना है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है आर है और ये डिस्टेंस कवर कर देगा। देखो बेटा इसमें जो ऐसे डिस्टेंस कवर होगी ऐसे भी होगी, मगर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगा, और जब हम पूरे पे घूमेंगे जब सेमी सर्कल कवर होगा, इसमें हमें रेशियो निकालनी है। क्वेश्चन जो इसका है, फाइंड द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन ये, अब रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो इसका डिस्टेंस पाई आर, क्योंकि ऐसे घूमेंगे ना, वो जब हम घूमते हैं मैथ्स में भी क्या है, टेंथ में आपको किसी की लेंथ निकालते हैं ना जब हम सेमी सर्कल की, तो वो होती है पाई आर, इसकी जो लेंथ होगी पाई आर होगी। मगर अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे आर, तो इसकी रेडियस है, रेडियस का डबल टू आर, डायमीटर हो जाएगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो जाएगी यहां से यहां जाने की, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा टू आर, आर से आर कैंसल, तो इसकी आंसर आ जाएगा पाई बाय टू। सिंपल ओवर।